कार्यक्रम इधर अभी जल्दी जल्दी हम लोग किए, तो लोगों ने सोचा कि भाई नेता तो गांव आए थे तो फिर हम बक्सर के किला में क्या चले, इकट्ठा चला जाएगा पटना। लोग पटना की तैयारी बना रहे, लेकिन साथी हमारे जीतती है, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो 24 घंटा आपके लिए हूं। जहां चाहो वहां बुला लो, जहां लड़ने के लिए हो वहां तैयारी करो, हम आगे आगे हमारी फौज हमारे नेता आगे आगे खड़े आपको मिलेंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं, ये देश में हमारे है तो हमानों के हिस्सा मिले के ये लड़ाई आज की नहीं। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो निवारण है। दुख किस बात का है, आज शिक्षा एक समान नहीं है, आज हम लोगों को नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं है, आज हम लोगों को बिजनेस में कारोबार में रोजगार में हिस्सेदारी नहीं है। बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, बीमारी यही ना है। इसी नाते हम लोग इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोगों ने तय किया है, भारतीय समाज पार्टी बनाकर हम लोगों ने पूरे देश में, यही आपका बिहार नहीं, आप जाओगे गुजरात महाराष्ट्र पंजाब जाओगे दिल्ली जाओगे उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड, जहां भी जाओगे वहां भारतीय समाज पार्टी का कारवा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ नजर आपको मिलेगा। हम पूरे प्रदेश में पूरे देश में हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक ही बात कह रहा हूं साथियों, जरा सोचो, भारत देश एक, संविधान एक, राष्ट्रपति एक, और शिक्षा दो तरह की। भारत में एक स्टेट है तेलंगाना, एक प्रदेश है तेलंगाना। तेलंगाना में उसकी आबादी मात्र 4 करोड़, 4 करोड़ आबादी में वहां की सरकार संविधान के दायरे में 2 लाख गरीब कमजोर बच्चों को, चाहे किसी जाति का हो, गरीब कमजोर बच्चों को 2 लाख बच्चों को हर साल केजी से लेकर पीजी तक। अब जो पढ़ा लिखा हो तो समझ गया होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको हम समझा दे, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने के लिए बिना पैसे में पढ़ाकर छात्रावास भोजन फ्री में देकर, बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की शिक्षा 2 लाख बच्चों को हर साल तेलंगाना सरकार दे रही है। आप बताओ, ये व्यवस्था तो बिहार में भी हो सकती है, ये व्यवस्था यूपी में भी हो सकती है, ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ झारखंड में हो सकती है, लेकिन हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे कहीं के हो, शिक्षा के सवाल पे क्यों ध्यान नहीं देते। हम लोग मन बनाए साथियों, इस देश में गरीबों की संख्या ज्यादा है, बोलो ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है। अमीरों की संख्या कम है, लेकिन परेशान कौन है, गरीब परेशान है। परेशान कौन करता है, अमीर लोग करते हैं। तो हम तो गरीबों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आप तेलंगाना की जो व्यवस्था है दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, तो भारत देश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, ताकि गरीबों के लिए बच्चे पढ़ लिख करके आगे जा सके। इस बात को लेकर हम आपकी परीक्षा, अपनी परीक्षा, पार्टी की परीक्षा 7 अक्टूबर गांधी मैदान पटना, हमने मन बनाया है कि थोड़ी सी मेहनत करो बक्सर के लोगों। पहले हम हिंदी किए तो बक्सर, और बक्सर के तमाम गांव में घूम करके हम लोग अलग जगाए। हम अपने नेताओं से कहूंगा कि देखो, ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं, किसी एक जाति की नहीं, ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच की है, ये लड़ाई गरीब की है, और गरीब की लड़ाई में जो भी मजबूत अमीर आपका साथ दे उसका भी स्वागत ओम प्रकाश साइबर करेगा। इस नाते कहता हूं, सबसे पहले हम गरीब इकट्ठा हो, जिस दिन आप इकट्ठा हो जाएंगे, अभी एक साथी ने मुझे चिट्ठी दिया इटारी आत्या प्रखंड है हमारे शिव विलास राजभर, एक बीमारी है कैंसर, कि हमको इलाज के लिए व्यवस्था चाहिए।